My lovely students, welcome to Methodological. And as we have wrapped up the topic of circular tracks, circular races, we are starting the topic of clocks. Clock over to circular race hi chalta hai. between minute hand and hour hand. It's, okay. So. सबसे पहले बात कर लेते हैं और आर हैंड आवर हैंड की बात करते हैं सबसे पहले तो क्लॉक सिंस क्लॉक इज अ सर्कल तो आवर हैंड हमारा 12 आवर्स में कितना मूव करता है कंप्लीट करता है पूरा अपना एक लैप यानी थ्री सिक्स डिग्रीज मूव करता है सो इन आवर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आवर हैंड इज थ्री सिक्स डिग्रीज सारा डिस्टेंस अब हम देखेंगे डिग्रीज में क्लॉक के केस में ठीक है ट्वेल्व आवर्स में आवर हैंड का डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है थ्री यानी कि वन आवर में डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा वन आर में डिस्टेंस ट्रेवल होगा थ्री इक्वल टू थर्टी डिग्रीज क्लियर और अगर वन आवर में है थर्टी डिग्रीज तो फिर वन मिनट में कितना होगा करो गया, 60 से वन so आवर में थर्टी डिग्री थर्टी डिग्रीज बाई मिनट स्पीड हो गया थर्टी डिग्रीज पर आर और वन सेकेंड में कितना होगा हालांकि वन सेकेंड का जरूरत नहीं पड़ेगा ज्यादा बट स्टिल वन सेकेंड में क्या होगा पॉइंट फाइव डिग्रीज पर मिनट है तो पॉइंट फाइव डिवाइड बाई सिक्सटी करोगे वन बाई टू डि सिक्स तो वन बाई वन ट्वेंटी डिग्री हो जाएगा पर सेकेंड द मूवमेंट ऑफ आर हंड क्लियर ठीक है यह तो बात होगी आर हेंड की अब बात करते हैं मिनट हैंड की मिनट हैंड की बात करते हैं मिनट हैंड हमारा

तो अगर ट्वेल्व पीएम पे ये चलना स्टार्ट करेंगे दोनों तो चलते तो हमेशा रहता है बट 12 पीएम के बाद में जब चलेंगे तो मिनट हैंड का स्पीड ज्यादा फास्ट होगा कंपैरिजन इन कंपैरिजन टू तो आर हैंड क्योंकि मिनट हैंड की स्पीड क्या है डिग्रीज पर मिनट और आवर हैंड की स्पीड क्या है दैट इज 0.5 पॉइंट डिग्रीज पर मिनट तो मिनट हैंड की स्पीड ज्यादा फास्ट है तो मिनट हैंड फट से आगे निकल जाएगा सो क्या है बात कह रहे हैं ओके okay. डायल के लिए भी बात कर लेते हैं तो कंप्लीट हमारा जो डायल है की वॉच का जो फेस है इट इज डिवाइडेड इंटू ट्वेल्व पार्ट्स ट्वेल्व वन ठीक है ट्वेल्व हो गया ये थ्री हो गया सिक्स नाइन टू ट्वेल्व पार्ट्स में डिवाइडेड है ठीक है मेरी ड्राइंग में तुमको हो सकता है पार्ट्स इक्वल ना लगे बट इक्वल ही होते हैं फॉर ईच पार्ट फॉर ईच पाई ईच स्लाइस ऑफ दिस पिज्जा इतनी स्लाइस है, 12 स्लाइस है। एक स्लाइस का एंगल कितना है बिटवीन। वन पार्ट कितना एंगल होगा? अगर so so हम जूम करें इस पर्टिकुलर पोर्शन पेटस से तो बिटवीन सिक्स एंड फाइव सिक्स यानी थर्टी मिनट्स हुआ फाइव यानी so बीच में हमारे और टोटल ये कंप्लीट एंगल हमारा है थर्टी डिग्रीज तो एक पार्ट ऑफ एंगल कितना होगा एक ये छोटू सा एंगल कितना होगा दिस एंगल विल डिग्रीज ओके ठीक है तो अब बात करते हैं एंगल मेड एट ए पर्टिकुलर टाइम बाय मिनट हैंड एंड आर हैंड क्या होगा तो एक जनरल सिचुएशन लेते हैं जनरल टाइम लेते हैं लेट से टाइम हमने लिया थ्री थर्टी पी का थ्री थर्टी पीएम पे ऑलमोस्ट ऐसा रहेगा कुछ सीन दिस इज मार्किंग फॉर थ्री दिस इज मार्किंग फॉर सेवन फोर एंगल क्या होगा तो एंगल थीटा बिटवीन दिस टू हैंड बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड एंगल थीटा विल बी इक्वल टू एंगल मेड बाय Hour हैंड माइनस एंगल मेड बाय मिनट हैंड एंगल मेड by आर हैंड माइनस एंगल मेड by मिनट हैंड फाइन ठीक है तो अच्छा इस केस में हालांकि ऑपोजिट आ रहा है बट कोई बात नहीं ऐसे ही समझ लेते हैं क्योंकि हमें अल्टीमेटली मॉड वैल्यू लेना होता है इनका पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे बट एंगल मेड हैंड हैंड कितना होगा hand का एंगल ये बन रहा है हमारा Data से दिस एंगल इज अल्फा और मिनट हैंड का एंगल बन रहा है ये वाला बीटा बीटा तो माइनस अल्फा हमारा आ रहा है थीटा अगर अल्फा माइनस बीटा देखोगे तो माइनस थीटा आएगा बट मॉड वैल्यू ले तो माइनस थीटा का थीटा ही आने वाला है अल्टीमेटली हमें मॉड वैल्यू चाहिए होता है तो एंगल मेड बाई आर हैंड कितना होगा आवर हैंड एंगल कितना बना रहा है द टाइमिंग इज थ्री थर्टी पी एम आवर की वैल्यू है थ्री और मिनट की वैल्यू है थर्टी और आवर हैंड हमारा वन आवर में कितना ट्रेवल करता है थर्टी तो थ्री आवर में कितना ट्रेवल करेगा थ्री इंटू थर्टी सिमिलरली थर्टी मिनट्स में कितना ट्रेवल करेगा वन मिनट में ट्रेवल करता है पॉइंट फाइव डिग्रीज तो थर्टी मिनट्स में करेगा प्लस थर्टी इंटू पॉइंट फाइव डिग्रीज ये हो गया एंगल मेड बाई आर माइनस एंगल ठीक है हमारा आंसर तो, बट इस फौर्म, को करते हैं, तो अगर आवर्स की वैल्यू है एच तो वन आवर के लिए डिग्री एच इंटू थर्टी डिग्रीज और मिनट की वैल्यू अगर एम है तो आवर हैंड ट्रेवल करेगा एम इंटू पॉइंट फाइव डिग्रीज माइनस m into 6 degrees for the angle made by minute hand. So, this value effectively will be 30h plus 0.5 minus 6 Yeniki, minus 5.5 m or we can say that minus 11 by 2 m. This will be our formula for angle made by hands of a clock. in this particular case विल बी will प्लस 90 माइनस यानी कि 105 जीरो माइनस 180 तो आया -75 डिग्रीज और जो कि मॉड वैल्यू लेंगे तो आंसर आ जाएगा सेवेंटी फाइव डिग्रीजिल भी आंसर सेवेंटी डिग्रीज हमारा आंसर हो जाएगा क्या ये बात क्लियर है ठीक है आंसर विल बी सेवेंटी डिग्रीज अब यहां पे एक दो छोटी सी बातें हैं जिनको और समझना है कि कभी भी अगर एंगल बन रहा है यहाँ पे हमने एक जनरल सिचुएशन में एंगल देखा एंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड दिस इन दिस केस इज 90 डिग्रीज ओके okay? 3 पीएम सिनेरियो हम देख रहे हैं 90 डिग्रीज का एंगल है दिस एंगल इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू हैंड्स दैट इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल और एक और एंगल बन रहा है यहां पे

ठीक है मिनिमम वैल्यू क्या आएगी एंटी एंगल की मिनिमम वैल्यू होगी जीरो डिग्रीज जब दोनों हैंड्स साइड करेंगे 12 पीएम पे और मैक्सिमम वैल्यू होगी 180 डिग्री 6 पीएम पे मैक्सिमम वैल्यू होगी एंटी एंगल की 180 डिग्री 6 पीएम पे सिमिलरली एक्सट्रल एंगल की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री 6 पीएम पे और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा 360 डिग्री

और एंगल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है वन सर्कल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी वन लैप में डिस्टेंस विल बी डिस्टेंस ट्रेवल करना है so, to, तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू दोबारा कब मिलेंगे टाइम टेकन विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस करना थ्री थ्री डिग्रीज और स्पीड है फाइव पॉइंट फाइव की बाई टाइम टेकन विल बी सेवन ट्वेंटी बाईन सेवन ट्वेंटी बाई इलेवन मिनट्स विच विल कम आउट टू बी इक्वल टू सिक्सटी फाइव एंड फाइव बाई इलेवन मिनट्स आफ्टर एवरी एंड एंड मिनट्स आर मिनट हैंड ठीक है जब कौन करेंगे बेसिकली की बात कर रहे हैं ठीक है so, कितने टाइम में कॉन्साइड करेंगे आफ्टर एवरी एंड एंड मिनट्स कितनी ट्वेल्व आवर्स में कितनी बार कौन साइड करेंगे मिनट्स हुए हमारे मिनट्स और एक बार कौन साइड करें सेवन ट्वेंटी बाई इलेवन मिनट्स में सेवन ट्वेंटी मिनट्स डिवाइडेड बाई सेवन ट्वेंटी बाई इलेवन टोटल इलेवन टाइम्स कौन साइड करेंगे इलेवन टाइम्स कौन साइड करेंगे ऑल्सो अगर तुम रिकॉल कर पाओ तो यहां पे स्पीड का रेशियो क्या रहा है मिनट हैंड और आर हैंड का स्पीड का रेशियो क्या रहा है रेशो क्या रहा है सिक्स डिग्रीज और पॉइंट फाइव डिग्रीज रेशियो आ रहा है हमारा ट्वेल्व टू वन का और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं डायरेक्शन सेम है, direction same है. यानी कि 11 डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स होंगे है कि नहीं और वही कह रहे हैं हम 11 टाइम्स दे विल बी कोइनसाइडिंग इन 12 आवर्स और इसके बाद फिर से वो स्टार्टिंग वाले मीटिंग पॉइंट यानी कि 12 पीएम के बाद में 12 एम आ जाएगा 12 एम आ जाएगा तो फिर से उनका एंगल ज़ीरो हो जाएगा एट एग्जैक्टली 12 ठीक है तो टोटल तो 11 टाइम्स दे विल बी कोइनसाइडिंग इन 12 आवर्स

और फिर कितना बचा फाइव एंड फाइव बाई इलेवन मिनट्स वन आर फाइव एंड फाइव बाईन मिनट्स फिर कौन साइड करेंगे फिर इतना और ऐड कर दो इसमें प्लस सिक्सटी फाइव एंड फाइव बाईन मिनट्स तो टाइम हमारा हो जाएगा टू आर टेन एंड टेन बाईन मिनट्स ठीक है थर्ड टाइम का कौन साइड करेंगे अगेन ऐड कर दो सिक्सटी फाइव एंड फाइव बाईन दैट विल्ड फिफ्टीन बाईन विच विल बिकम सिक्सटीन एंड फोर बाईन मिनट्स टाइम वैल्यूज रिस्पेक्टिव में ऐसे ही बाकी वैल्यूज निकाल सकते हो एंड सो ऑन ठीक है सो दीज विल अब बात करते हैं वेन द एंग हैंड्स आर इन स्ट्रेट लाइन बट दे आर नॉट को एंगल होगा वन एट्टी डिग्रीज का वेन हैंड्स आर इन स्ट्रेट लाइन बट नॉट कॉन्साइडिंग

स्पीड है ट्रैवल करना है डिस्टेंस 180 दैट विल बी 360 बाय 11 मिनट्स सो आफ्टर 360 बाय 11 मिनट्स व्हिच विल बी इक्वल टू 11 360 30 सी और फिर बचा 30 तो 32 एंड 8 बाय 11 मिनट्स के बाद में द एंगल विल बी 180 डिग्रीज. यानी कि फर्स्ट टाइम कब होगा 12 एंड 32 8 बाय 11 पीएम पे ट्वेल्व पी एम के बाद में ट्वेल्व पी एम पे तो एंगल जीरो है सो दिस इज द फर्स्ट टाइम द एंगल विल बी वन एटी डिग्रीज और इसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर से वन एटी डिग्रीज कब होगा भाई जब वन एटी डिग्रीज पे एंगल हो गया हमारा ठीक है ऐसे समझो कि अभी हालांकि ये पिक्चर नहीं है ट्वेल्व पी एम वाला ट्वेल्व पी एम वाला पिक्चर तो डिफरेंट होगा ट्वेल्व पी एम पे कुछ ऐसा पिक्चर बनेगा हल्का सा टिल्टेड होगा और ये इस तरह का होगा

सिर्फ एक बार बनता है बाकी सारे के सारे टाइम इंटरवल में वन आर के टाइम इंटरवल में एक्जैक्टली एक बार बनेगा वन टाइम एट सिक्स पी अदरवाइज सेवन से एट के बीच में देखोगे तो वन टाइम बनेगा या फिर फोर से फाइव के बीच में देखोगे तो भी वन टाइम बनेगा एंड सो ऑन किसी भी टाइम के वैल्यूज के लिए देखोगे एट से नाइन के बीच में भी वन टाइम बनेगा एंड सो ऑन फॉर ऑल द वैल्यूज एक्सेप्ट फाइव पी एम टू सेवन पी एम क्या ही बात है ठीक है तो ये तो बात हो गई हमारी व्हेन हैंड्स आर इन स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर उनके बीच का एंगल है 180 डिग्रीज़ का अब बात करते हैं व्हेन द एंगल्स व्हेन द एंगल बिटवीन हैंड्स इज 90 डिग्रीज़ राइट एंगल बनेगा तब कितनी बार बनेगा राइट right एंगल कितनी बार बनेगा सो व्हेन एंगल इज 90 डिग्री 12 पीएम पे एंगल 0 है अगर 90 डिग्री से एंगल बनना है तो टाइम टेकन विल बी 90 डिग्री डिस्टेंस ट्रेवल करना है रेट स्पीड है एलेवन बाई टू विल बी वन एटी बाई एवन मिनट्स तो फर्स्ट टाइम बनेगा इन वन एटी बाई अलेवन मिनट्स और जैसे ही एक बार नाइन्टी डिग्री से एंगल बन गया जट तो से ये हमारा एंगल बना है ठीक है नाइन्टी डिग्रीज का बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड दिस एंगल इज नाइन्टी डिग्रीज ओके तो नेक्स्ट टाइम 90 डिग्री okay. so से एंगल कब बनेगा जब ये मिनट हैंड हमारा 180 एटी डिग्रीज की डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा आर हैंड के रिलेटिव तभी तो बनेगा आर हैंड के रिलेशन में जब ये 180 डिग्री के डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो नेक्स्ट टाइम बनने का टाइम कितना होगा नहीं फर्स्ट टाइम बन गया हमारा 180 एटी बाई इलेवन मिनट्स पास्ट 12 यानी कि फर्स्ट टाइम हमारा होगा 12 एंड दिस इज 11 से कितनी बार जा रहा है 1 और 70 बचा तो सिक्सटीन एंड फोर बाई इलेवन पी एम जो भी समझ लो दिस इज द फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम बनेगा हमारा जबकि नेक्स्ट टाइम बनेगा थ्री सिक्सटी बाई इलेवट में विच एम्प्लाइज ये ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद में फिर से दोबारा ये एंगल बन जाएगा हमारा तो so टोटल कितने बार बनेगा एक आर में दो टाइप दो बार बनेगा ऑलमोस्ट रफली दो बार बनेगा ठीक है टोटल हमारा ये एंगल बनेगा

जस्ट हाफ डैट ऑफ टू एंगल्स दोन एटी डिग्री का ठीक है और यहाँ पे भी टाइमिंग क्या होगा एट थ्री पी एम हमारा एंगल नाइनटी डिग्रीज का होगा और एट नाइन पी एम ऑल्सो एंगल विल बी नाइनटी डिग्रीज फ्रॉम टू पी एम टू फोर पी एम एग्जैक्टली थ्री टाइम्स एंगल नाइनटी डिग्रीज का होगा सिमिलरली फ्रॉम एट पी एम टू टेन पी एम एग्जैक्टली थ्री टाइम्स हमारा एंगल नाइन्टी डिग्रीज का होगा

Approximately two times in one hour. जैसे नाइन्टी डिग्री के एंगल के केस में हुआ सिमिलरली होगा किसी भी एंगल के लिए इन ट्वेल्व आवर्स अब ऐसे समझो किल ये हमारी पोजिशन है हर हैंड की और ये मिनट हैंड है हमारा लंबा सा दिस इज एंगल थ्रीटा अभी अगर थीटा का एंगल बन रहा है और मिनट हैंड की स्पीड फास्ट है तो नेक्स्ट टाइम थीटा का एंगल फिर से कब बनेगा जब ये मिनट हैंड हमारा थीटा डिस्टेंस कवर कर लेगा व्हेन व्हेन एंगल डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड इज थीटा ये पहली पोजिशन है यह सेकंड पोजिशन है ठीक है तो टाइम टेकन विल बी टाइम टेकन फ्रॉम फर्स्ट टाइम जब ये एंगल थीटा का बन रहा होगा सेकंड टाइम जब बनेगा तो दैट टाइम टेकन विल बी टू थीटा का डिस्टेंस सेवन किया है और स्पीड है इलेवन बाई टू का तो यानी कि फोर थीटा बाई इलेवन दैट विल बी द टाइम बिटवीन दीज टू पोजिशन टाइम टेकन बिटवीन दीज टू पोजिशन क्या है बात क्लियर है ठीक है इज दैट क्लियर जैसे एग्जांपल ले थर्टी डिग्रीज के एंगल का थर्टी डिग्रीज के एंगल का तो एग्जैक्टली एट वन पीएम एम एग्जैक्टली एट वन पीएम दिस एंगल इज थर्टी डिग्रीज वन पी पे और अगर नेक्स्ट टाइम फिर से 30 डिग्री का एंगल चाहिए तो कब बनेगा जबकि हमारा मिनट हैंड 60 डिग्रीज की डिस्टेंस कवर करने रिलेटिव टू आर हैंड क्योंकि आवर हैंड भी तो मूव कर रहा है तो टाइम टेकन विल बी 60 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 11/2 यानी कि 120/11 मिनट्स और जो कि हो जाएगा 10 एंड 10/11 मिनट्स यानी कि नेक्स्ट टाइम हमारा 30 डिग्रीज का एंगल बनेगा एट 1 10 क्या पार्ट क्लियर है ठीक है और अगर हम थर्टी डिग्रीज के एंगल की बात करते हैं तो ये एंगल भी हमारा ट्वेंटी टू टाइम्स बनेगा ट्वेल्व आवर्स में ट्वेंटी टू टाइम्स बनेगा ट्वेल्व आवर्स में बट वन पी एम पे थर्टी डिग्रीज बन रहा है तो ट्वेल्व से लेकर टू के बीच में टाइम्स बनेगा सिमिलरली इलेवन एम पे भी हमारा थर्टी डिग्री से एंगल बनेगा तो टेन से लेकर ट्वेल्व के बीच में भी एग्जैक्टली थ्री टाइम्स बनेगा ये एंगल बाकी सारे केसेस में अब फिर चाहे हम टू से थ्री के बीच में देखें टू टाइम्स बनेगा थ्री से फोर के बीच में देखें टू टाइम्स बनेगा एंड सो ऑन फॉर ईच अदर वैल्यू टोटल ट्वेंटी फोर आवर्स क्या बात फेयर है ठीक है आप क्वेश्चन करते हैं इस पर वेस्ट कुछ और तुमने समझ लिया अब इस पर वेस्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं आई बिलीव सारी बातें समझ में आई होंगी जो भी चीजें हमने सीखी हैं अब तक ठीक है अब कुछ क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं शॉर्ट में इजी क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज एट टाइम विल द आर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक बी डायमेट्रिकली अपोजिट टू इच अदर बिटवीन नाइन एंड टेन पी एम तो नाइन और टेन पी एम के बीच में किस टाइम पे आर हैंड और मिनट हैंड हमारे डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे और डायमेट्रिकली अपोजिट होने का मतलब ये हुआ कि एंगल होगा उनके पीछे वन एटी डिग्रीज का वन एट्टी डिग्रीज का एंगल होगा तो एंगल है वन एट्टी डिग्रीज का और आर में टाइम कितना है नाइन मिनट की वैल्यू में निकालनी है एस तो आवर की वैल्यू तो पता है आवर की वैल्यू नाइन होगी नाइन से टेन पी के बीच में तो एंगल आ जाएगा वन डिग्री एंगल कितना है थ्रीटा इज इक्वल टू तो थर्टी एच तो माइनस एलेवन बाई टू एम का मॉट वैल्यू ठीक है मॉड को हटा दो वैसे तो ठीक है वन एटी के बराबर मान लेते हैं अगर तो थर्टी इंटू नाइन माइनस एलेवन बाई टू एम तो एलेवन बाई टू एम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से टू सेवेंटी माइनस वन एटी यानी कि नाइनटी डिग्रीज एम यहां से आ जाएगा वन एटी बाई इलेवन वन एटी बाई इलेवन आ जाएगा एम विच विल बी इक्वल टू सिक्सटीन एंड फोर बाई इलेवन मिनट्स यानी कि टाइम होगा हमारा नाइन एंड सिक्सटीन एंड फोर बाई इलेवन पी एम दिस टाइम भी व्हेन द एंगल विड भी विद द एंगल वी वन एटी डिग्री या फिर हमारे हैंड्स जो है वो डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे ओके okay.

थर्टी इंटू सेवन माइनस इलेवन बाई टू एम तो इलेवन बाई टू एम विल इक्वल टू टू हंड्रेड टेन माइनस एटी फोर विच विल कम आउट टू बी वन ट्वेंटी एम की वैल्यू आ जाएगी टू फाइव टू फाई इलेवन और इलेवन से जाएगा ये इलेवन टू जाए ट्वेंटी टू और फिर बच जाएगा थर्टी टू तो ट्वेंटी टू एंड टेन बाई इलेवन मिनट्स पे पहली बार एंगल विल बी एटी फोर डिग्रीज टाइम आ गया हमारा सेवन ट्वेंटी टू टेन बाई इलेवन पी एम और ए एम जो भी होगा सेकेंड टाइम कब होगा भाई फर्स्ट टाइम अगर हमारा एंगल एटी फोर डिग्रीज का बन गया है तो सेकेंड टाइम कब होगा इससे कितने टाइम बाद सेकेंड टाइम कब बनेगा देखो तो आर हैंड तो अपना है ही है ठीक है अगर ये हमारा मिनट हैंड है ठीक है रफली वैल्यू ले रहे हैं चलो एग्जैक्ट ले लेते हैं ताकि समझ में ज्यादा बेटर है सेवन एंड ट्वेंटी टू ये कहाँ पे होंगे हमारे हैं हैंड्स तो ये हमारा आर हैंड हो गया ऑलमोस्ट और मिनट हैंड होगा ऑलमोस्ट हमारा ऐसी पोजिशन पे ठीक है तो दिस एंगल एटी फोर डिग्रीज अब मिनट हैंड कन्वर्ट करके दिस इज मिनट हैंड का पोजिशन नंबर वन सेकंड पोजिशन पे एंगल ट्रेवल्ड कितना होगा डिग्रीज का एंगल ट्रेवल्ड होगा एटी फोर का डबल टाइम टेकन विल बी वन सिक्सटी एट डिवाइडेड बाईन बाई टू यानी थ्री थर्टी सिक्स बाई इलेवन मिनट एडिशन लगेंगे विच विल बी टू इलेवन थ्री एंड 6 बाई 11 मिनट 30 एंड 6 बाई 11 मिनट्स के बाद से एक बार एंगल हमारा 84 फोर डिग्रीज का होगा ऐड कर दोगे प्लस 30 एंड 6 बाई 11, तो टाइम हमारा आ जाएगा सेवन फिफ्टी थ्री एंड फाइव बाई इलेवन दिसक एंगल इज एटी फोर डिग्रीज इज दैट क्लियर ठीक है अदरवाइज ये भी कर सकते हो कि ये हमारा मॉड वैल्यू है इसका ऑपोजिट कर दो ये समझाने के लिए मैंने इतना सब लिखा है तुम्हारे लिए अदरवाइज तुम क्या करोगे एग्जैक्टली exactly, दो तरह से ओपन हो सकता है दिस 30 7, 11 2M, और जिसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल दिया जहां से एम की वैल्यू आ गई केस होगा ओपन होने का जबकि इलेवन बाई टू एम हमारा वो और माइनस थर्टी इंटू सेवन आ जाए अब अगर इसको इक्वल टू एटी फोर करोगे तो यहां से वैल्यू हमें मिल जाएगा कि 11 2M 84 210, तो दिस 294, की इलेवन बाई टू एम इज इक्वल टू एटी फोर प्लस टू हंड्रेड टेन देश टू फोर और यहाँ से एम की वैल्यू आ जाएगा टू तो फोर

एंगल विल बी चेंजिंग बाई ट्वेंटी टू डिग्री क्लियर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वट एंगल इज मेड बाई देंड्स ऑफ अ क्लॉक एट ए नाइन ट्वेल्व या फॉमला अप्लाई कर दोगे कुछ भी और करने की जरूरत है इसमें ओके नाइन ट्वेल्व पे क्या एंगल बनेगा कमेंट में मैंशन कर देना क्या बार बार यही सें चीज सॉल्व करें ठीक है नाइन ट्वेल्व पेट फॉर्मला अप्लाई हो रहा है कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट एंगल इज मेड बाई क्लॉक एट सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी क्या एंगल बनेगा क्या एंगल बन जाएगा वैल्यू आएगा टू हंड्रेड टेन माइनस दिस विली तो वैल्यू आ जाएगा सेवेंटी टू पॉइंट फाइव डिग्रीज सेवनटी टू पॉइंट फाइव डिग्री विल बी द आंसर नेक्स्ट वन वॉट एक्सटीरियर एंगल इज मेड बाई हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट थ्री थर्टी सिक्स पी एम तो क्वेश्चन हमसे एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा एक्सटीरियर एंगल यानी कि एंगल दैट इज ग्रेटर देन तो एंगल की वैल्यू so निकाल लेते हैं पहले थीटा से अपने फॉर्मले से और अगर वो एंगल हमारा ऑलरेडी वन एटी से बड़ा आया तो वही एक्सटीरियर एंगल बनेगा अगर वन एटी से छोटा आता है तो फिर हमको थ्री थ्री से सब्रैक कर देंगे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा एंगल आया फिफ्टी डिग्रीज का तब तो कोई प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है एक्सटीरियर एंगल हमारा फिफ्टी डिग्रीज नहीं होगा तो हम इसको सब्रैक करेंगे थ्री सिक्सटी में से

क्योंकि तो मॉड लेते हैं इसका तो हमारा थीटा आ जाएगा वन जीरो बट क्वेश्चन में हमें थीटा चाहिए क्या एंगल चाहिए आंसर विल बी थ्री सिक्सटी माइनस वन जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन एट वॉट टाइम बिटवीन सेवन एंड एट एम हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बी इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टूगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट साथ में नहीं हो यानी कि एंगल क्या होगा जीरो डिग्रीज नहीं होगा एंगल होगा वन एटी डिग्रीज का सेम स्टेट लाइन में बट साथ में नहीं होगा ठीक है सेवन ए एम और एट ए एम के बीच में कब होगा ऐसा तो एंगल वन एटी डिग्रीज का हो जाएगा वन एट्टी इज इको टू सेवन इंटू थर्टी माइनस इलेवन बाई टू एम तो इलेवन बाई टू एम का वैल्यू आ जाएगा टू हंड्रेड टेन माइनस वन एटी यानी कि थर्टी एम विलोटी बाईन मिनट आंसर तो आ जाएगा सेवन एंड फाइव एंड फाइव बाईन दिसाइम एंड फाइव बाई इलेवन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इन अ स्ट्रेट लाइन हैंड्स इन ऑफ अ क्लॉक इन अ स्ट्रेट लाइन यहां पे दो बातें ध्यान रखिए स्ट्रेट लाइन में कह रहा है स्ट्रेट लाइन में तब भी होगा जबकि एंगल जीरो डिग्रीज है और स्ट्रेट लाइन में तब भी होगा जबकि एंगल वन एट डिग्रीज है लेकिन जब कौन साइड करेंगे तब भी स्ट्रेट लाइन है